हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइस इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट वन रहेगा कुछ पार्ट्स के अंदर डिस्कस होगा ये क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है तो सिंगल लेक्चर के अंदर हम कवर अप नहीं कर पाएंगे एंड किसी ने अगर मेरे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड के ऊपर देखे हैं तो वहाँ पर हमने इसको कवर किया था तो वो देख चुके हो तो इसको देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है डोंट वेस्ट योर टाइम अगेन ऑन दिस अगर वो कर लिया है अगर नहीं किया तो यहाँ पर कर लो क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ नबार्ड के अंदर तो डायरेक्टली सिलेबस के अंदर ही मैंशनड है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट का टॉपिक एंड आई बी पी एस एफ ओ या बाकी के अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इक्वली इंपॉर्टेंट इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट रहता है तो इसके अंदर से मल्टीपल uh, क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं एंड दैट इज़ वाई इसको करना बहुत important है और हम यहाँ पर फटाफट से इसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो कवर अप कर लेंगे ये रिपोर्ट मैं रिकमेंड नहीं करता कि एक जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो खुद से इस रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा घुसे क्योंकि रिपोर्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी important नहीं है तो ये आप अपने टीचर के ऊपर छोड़ दें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको आपका टीचर करा देगा डो नॉट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन काफ़ी सारे फ्रेम होते हैं अब मैं आपको बताऊं कि 2000 प्लस हमारे एग्रीकल्चर का जो एम कोर्स है आ, काफी चीप प्राइसिस का हमने रखा काफ़ी सस्ता प्राइस इसका रखा है ताकि बच्चे इजीली अफोर्ड कर सके यहाँ पर 599 का आपको प्राइस दिख रहा है बट ये भी अभी डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है ट्वेंटी अगस्त तक इट हैज़ बिन डिसाइडेड कि आपको इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो कंटिन्यू की जाएगी जिसके अंदर हमने कोड यूज़ किया था फ्रीडम सेवेंटी फाइव जिसपे आपको सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिल रहा है तो आप ये लगा लो फाइव नाइन्टी नाइन पे अगर आप सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ले लेते हो तो अराउंड डेढ़ सौ रुपये का आपको पड़ता है अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एम की इंपॉर्टेंस जो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके अंदर से टोटल मैंने 75 फाइव क्वेश्चन को फ्रेम किया 75 है सेवेंटी फाइव क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और ये 75 फाइव क्वेश्चन करने के बाद जो आपको इन एम सी कोर्सेज के अंदर मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी में से एम को फ्रेम करके डाला तो अल्टीमेटली सेवेंटी फाइव आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर तो लेट अस क्विकली स्टार्ट और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जितने भी पीडीएफ हैं टेलीग्राम पर मिल जाता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओके एंड कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट नाउ तो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं सबसे पहले तो बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है कि इस रिपोर्ट को लेकर के कौन आता है इस रिपोर्ट रिपोर्ट को बेटा रिलीज करता है बनाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के लिए काम करती है ठीक है और इसी का सारा काम है ये जो भी पीरियोडिक असेसमेंट होता है वो यही कंडक्ट करता है और ये जो आई एस एफ आर आपकी रिपोर्ट है ये दो साल में एक बार निकाली जाती है बाइनियल पब्लिकेशन है बाइनियल का क्या मतलब होता है कि दो साल में एक बार आती है जैसे पहले दो हजार उन्नीस में आई फिर दो हजार इक्कीस की आई फिर अब दो हजार तेईस के अंदर आएगी हाल फिलहाल आपके एग्जाम के लिए दो हजार इक्कीस वाली इंपॉर्टेंट है पहली बार जो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली गई थी बेटा वो 1987 के अंदर निकाली गई थी जो फर्स्ट एडिशन था और जो 2021 के अंदर रिपोर्ट रिलीज की गई है वो आपका सेवनटीन्थ एडिशन था ठीक है तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपने याद रख लेने हैं कई बार इसमें से पेपर में वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि 2021 के अंदर जो एडिशन आया है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट का वो कौन सा एडिशन है तो आपको कह देना है कि सेवनटीन्थ एडिशन है सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की तो दो टर्म्स आपको जब आप रिपोर्ट पढ़ते हो तो आपको दो ये कंसेप्ट दिखते हैं एक फॉरेस्ट कवर और एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये होता क्या है दोनों बात करते हैं जंगल की दोनों बात करते हैं फॉरेस्ट की लेकिन दोनों की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है फॉरेस्ट कवर क्या होता है फॉरेस्ट कवर वो एरिया होते हैं जहां पर जो ट्री पैचेज हैं ठीक है कंटिन्यूस ट्री पैचेज हैं अराउंड एक हेक्टेयर लैंड में या उससे ज्यादा लैंड में और जो कैनोपी की डेंसिटी है कैनोपी क्या होता है जो पेड़ों के

वो किसी प्राइवेट पर्सन का भी लैंड हो सकता है तो उसके अंदर कुछ भी रह सकता है ठीक है जैसे कि कोई ऑर्किड फार्म है किसी प्राइवेट ओनरशिप के अंदर या पान फार्म है बेम्बूज हैं तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा फॉरेस्ट कवर के अंदर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया डिफरेंट होता है या जिसको हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं ये वो एरिया होता है जो सरकार के रिकॉर्ड के अंदर एज फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है अब वहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि ट्री कैनपीडेंसिटी दस परसेंट से ज्यादा है या नहीं है वहां पर जो ट्री कवर है वो एक हेक्टेयर से ज्यादा साइज में है या नहीं है वो अगर सरकार के रिकॉर्ड्स के अंदर एज फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया ठीक है फॉरेस्ट कवर के लिए क्या है हमें चाहिए फॉरेस्ट कवर के लिए हमें चाहिए कि 10 परसेंट कैनपी डेंसिटी होनी चाहिए कम से कम और एक हेक्टेयर का साइज होना चाहिए कम से कम लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में अगर ये दोनों ना भी हो तब भी वो आ सकता है अगर वो सरकार के रिकॉर्ड्स के अंदर अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में मेनली जैसे जो आपके सरकार के रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट जिसको किसी भी क्लास में नहीं डाला गया है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नोटिफाइड है या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अगर कोई लैंड एज फॉरेस्ट रिकोगनाइज है तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ जाएगा ठीक है उसके अलावा ऐसे एरियाज जिनको एज फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया गया है रेवेन्यू रिकॉर्ड में डिस्ट्रिक्ट के गांव के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर उस एरिया को एज फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आ जाएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कंप्लीटली ब्लैक भी हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा दस परसेंट कैनोपी डेंसिटी तो छोड़ो एक हेक्टेयर का ट्री कवर तो छोड़ो वहां पर कुछ भी ना हो लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ जाएगा अगर वो रिकॉर्ड में है जैसे बहुत सारे एरियाज में डिग्रेडेड लैंड हो गए बंजर जमीन हो गई वेटलैंड रिवर मैंग्रूव क्रीक्स स्नो कवर्ड एरिया ग्लेशियर स्नो कवर्ड एल्पाइंस कोल्ड डेजर्ट्स ये सारे कई बार सरकार के जो रिकॉर्ड हैं उनके अंदर एज फॉरेस्ट क्लासिफाइड होते हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ जाते हैं ठीक है एज पर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर अंडर यूज इन आई एस एफ आर सच ब्लैंक एरियाज इन आर एफ ए आर एक्सक्लूडेड तो जब हम ये बात करते हैं जब आई एस एफ आर या इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट कवर की बात करता है कि इतना देश के अंदर फॉरेस्ट कवर है तब हम इस तरह के जो ये ब्लैंक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज है ना जहां पर कोई भी आ, आपका ट्री नहीं है कोई कैनपी डेंसिटी नहीं है वहां पर अल्टीमेटली फिर इसको हम फॉरेस्ट कवर में नहीं काउंट करते आई एस एफ आर के अंडर ठीक है ये याद रखना है अब देखो आर एफ ए के बाहर भी तीन एरियाज होते हैं ओके जहां कुछ एरियाज होते हैं नॉट तीन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आपका कैनपी डेंसिटी दस परसेंट से ज्यादा है या हेक्टेयर साइज वन हेक्टेयर से ज्यादा है प्राइवेट लैंड रे, रोड के किनारों की जगह आ गई रेल आ गया कम्युनिटी लैंड आ गए केनाल जहां पर केनाल बनाए हुए हैं वहां पर उसके साइड्स आ गए प्लांटेशन रबर टी तो ये सब भी फॉरेस्ट कवर के अंदर आ जाएगा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो ओवरलैप करेगा क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होगा कि कोई अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है तो वो उसके अंदर वो फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है यानी कि दस परसेंट कैनपी डेंसिटी और आपका एक हेक्टेयर से बड़े का साइज ओके चलो अब कुछ फैक्ट यहाँ पर देखो ठीक है ये पूरे के पूरे टेबल के ऊपर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स के अंदर स्टेटमेंट्स बना लेना बस छोटी छोटी सबसे सबसे पहले देश के अंदर सबसे recorded forest area. देश के के अंदर अंदर ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट के पास है बेटा तो सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश के पास ठीक है ये नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको किस तरीके से अपने नोट्स में नोट्स बनाना है मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और अगर आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान हो जाए तो नोट्स और आपके शॉर्ट हो जाएंगे सिर्फ आर एफ ए लिख लेना ठीक है आर एफ एम पी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है कुछ भी आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा किस स्टेट का है साइज वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है तो वो है आपका राजस्थान ठीक है ज्योग्राफिकल लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया इज इक्वल टू राजस्थान कर लीजिएगा उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट uh, कवर है वो किसके अंदर है यूटीज में यूटी और स्टेट्स अगर मैं दोनों लेता हूं तो यूटी और स्टेट्स दोनों मिलाकर के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर है और अगर मैं सिर्फ स्टेट को कंसीडर करूंगा अगर मैं सिर्फ स्टेट को कंसीडर करूंगा देन द सिनेरियो विल बी डिफरेंट ओके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में अभी यहां पर मैं फॉरेस्ट कवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूं ठीक है तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आपने क्या ध्यान में रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आईलैंड के पास सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है अगर मैं उस स्टेट के लैंड साइज से उसको कंपेयर करूं ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट अब देखो इस रिपोर्ट में आगे चल करके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इस रिपोर्ट के अंदर ना इस बार इन्होंने क्या किया है टाइगर रिजर्व और जो लायन कंजर्वेशन एरियाज हैं जैसे जो गिर रिजर्व एरिया वगैरह वहां पर भी इन्होंने फॉरेस्ट कवर को एक जो है उसका भी असेसमेंट किया है कि 2011 के मुकाबले 2021 में मतलब कि 10 साल का इन्होंने डिफरेंस देखा है 10 साल में देखा कि क्या चेंज आया है चाहे वो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं चाहे वो आपके लायन कंजर्वेशन एरियाज हैं ठीक है तो रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक लाइन को मेनली यहाँ पर इन्होंने कवर किया है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इंडिया के जंगल्स के लिए और इनको अम्ब्रेला स्पीशीज बोला जाता है अम्ब्रेला स्पीशीज किसी भी स्पीशीज को कब बोला जाता है जब उस एक स्पीशीज के सर्वाइवल से सिर्फ आप उस स्पीशीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो आप पूरे के पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो जंगल के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करके रखेगी फॉरेस्ट के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करके रखेगी जिससे जो पूरा फॉरेस्ट है वो एक्टिवली काम करेगा आप सोचो अगर फॉर एग्जाम्पल जंगल में शेर खत्म हो जाए जंगल में शेर खत्म हो जाएंगे तो हरबी बोर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हरबी बोर्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपका जो ग्रीन क्योंकि वो क्या खाएंगे वो पेड़ पौधे खाएंगे अल्टीमेटली आपका जो ग्रीन कवर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो इसीलिए बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और राइट एंड दैट इज वाई ये जो दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज हैं यूसीएन रेड लिस्ट में इनका भी हमने फॉरेस्ट जो कवरेज है पिछले दस साल के अंदर उसको देखा है और इंडिया के लिए तो टाइगर पॉपुलेशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पर दुनिया के सत्तर परसेंट टाइगर हैं अराउंड थ्री एट नाइन जीरो टाइगर हमारे देश के अंदर है जो जो वर्ल्ड का टाइगर पॉपुलेशन है वो थ्री एट नाइन जीरो है ओके तो इतना ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हमारे पास है कि अल्टीमेटली हमें हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि आ जाती है ऑल राइट नाउ इन द करंट असेसमेंट एंड मेड टू फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व्स जब ये रिपोर्ट बन रही थी 52 थे, अब 52 से हो चुके टाइगर लेकिन इन्होंने 52 को ही कंसीडर किया है और एसेस करते हुए इन्होंने देखा कि 2011 के मुकाबले बेसिकली 2021 में क्या चेंजेस आए हैं फॉरेस्ट के अंदर इन टाइगर रिजर्व में एंड नॉट ओनली टाइगर रिजर्व जो टाइगर कॉरिडोर होते हैं टाइगर कॉरिडोर बेसिकली क्या होता है एक तरह का दो जंगल को जो कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर होता है ठीक है जहां पर से फॉर एग्जाम्पल रोड वगैरह पास कर रही होती है तो वहां पर एक नेचुरल कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है ताकि जो एनिमल है उसकी मूवमेंट इजी हो जाए और एनिमल ह्यूमन कंफ्लिक्ट ना हो तो टाइगर कॉरिडोर के अंदर भी फॉरेस्ट कवर को यहां पर एस इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है अब इंडिया के अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें एज कंपेयर टू वर्ल्ड तो एक ना जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज होती है हर दो साल में वैसे ही ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है ये एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट ठीक है ये जो रिपोर्ट है ये दस साल में और ये जो रिपोर्ट है पाँच साल में रिलीज हुई जाती की जाती है ठीक है और जो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी वो 2020 के अंदर रिलीज हुई थी अब तो 2025 में होगी कहीं जाकर के तो अभी अपने लिए यही लेटेस्ट है तो इस रिपोर्ट में अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं तो अगर आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा जंगल सबसे ज्यादा जंगल अगर आप आ, बात करो तो सबसे ज्यादा जंगल बेटा रशिया के पास है अगर आप एरिया वाइज बात करते हो दुनिया का 20 परसेंट जंगल रशिया के अंदर है दुनिया का 20 परसेंट जंगल रशिया के अंदर है तो अगर ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड तो आप कह दोगे रशिया अब एक होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है एक होता है कि कंट्री का टोटल एरिया फॉर एक्साम्पल कि हिंदुस्तान ये टोटल हिंदुस्तान है तो टोटल हि, हिंदुस्तान के एरिया के आ, हिस, आ, के हिसाब से कितना परसेंट हिंदुस्तान में जंगल है ठीक है जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है आपकी 1988 की उसमें हम कहते हैं कि 33 परसेंट जंगल होना चाहिए 33 परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए है, है ना तो वो क्या हो गया थर्टी थ्री परसेंट किसके हिसाब से बात करते हैं इंडिया के एरिया के हिसाब से तो अगर के के हिसाब से टोटल साइज सौ हेक्टेयर का है तो सौ हेक्टेयर में फिफ्टी नाइन हेक्टेयर जो जगह है ब्राजील में वो एज जंगल क्लासीफाइड ठीक है थीके? तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कि किस कंट्री का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है एज कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ दैट कंट्री तो वो ब्राजील आ जाएगा बेटा ठीक है इंडिया जो है बेटा अब इसमें इंडिया का भी रैंक याद रख लीजिएगा इंडिया का जो रैंक है वो दसवां आता है अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की Uh, इंडिया के पास दुनिया के दो परसेंट जंगल है ये इस तरह के पॉइंट्स आप सब्जेक्टिव के अंदर भी यूज कर सकते हो ग्रेड ए वाले बच्चे ठीक है और परसेंटेज ऑफ कंट्री एरिया जो 2020 की ये रिपोर्ट थी जी एफ आर ए इसके हिसाब से इंडिया का 24.3 परसेंट एरिया जो है एज फॉरेस्ट क्लासिफाइड है ठीक है तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार पांच चार पांच क्वेश्चन इजिली यहां से बनते हैं और right. उसके बाद आ, अगर हम बात करें आ, नेट गेन की तो बेसिकली रिपोर्ट के अंदर ना ये भी देखा जाता है कि दो दस साल में ग, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा गेन किया जंगल तो 2010 से 2020 में तो सबसे ज्यादा जंगल बेटा इस इन दस सालों के पीरियड में जो गेन किया है वो चाइना ने किया है चाइना ने अराउंड पॉइंट नाइन थ्री परसेंट से अपना जंगल इंक्रीज किया है परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपने ये याद रख लेना कि चाइना ने सबसे ज्यादा किया है और इंडिया अपना तीसरे नंबर पर है इंडिया का रैंक याद रख लेना है और दो के मुकाबले इंडिया ने पॉइंट जंगल किया है, ये आप याद रख लेना एस अकॉर्डिंग टू व्हाट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो एफ रिलीज करता है चलो जी उसके बाद ग्रोइंग स्टॉक ग्रोइंग स्टॉक की डेफिनेशन में आगे चल करके आपको लेक्चर में दिखाऊंगा भी बेसिकली ग्रोइंग स्टॉक होता है जो जो भी लिविंग बायोमास होता है ठीक है जो भी लिविंग बायोमास होता है फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज एंड प्लांट्स में उसको ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं तो अगर ग्रोइंग स्टॉक की वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक वॉल्यूम जो है या जो लिविंग बायोमास का वॉल्यूम है उसमें सबसे नंबर एक पर आता है बेटा ब्राजील ये याद रख लेना ये आपको वैल्यूज याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इंडिया इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है टॉप टेन के अंदर इंडिया आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा तो इंडिया का रैंक ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं है सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि ब्राजील नंबर एक पर है ओके okay. ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं ओके okay. अब जैसे फॉरेस्ट होता है जंगल होता है हम कहते हैं ना घना जंगल ठीक है और कुछ जंगल होते हैं वो मॉडरेटली डेंस होते हैं कुछ होते हैं जो ओपन फॉरेस्ट टाइप होते हैं ठीक है फिर कुछ स्क्रब आ जाते हैं नॉन फॉरेस्ट आ जाते हैं तो उनको कैसे कैसे हम बताएंगे कि यार ये वाला जंगल जो है वो वेरी डेंस है ये मॉडरेटली डेंस है ये ओपन फॉरेस्ट है तो इसको डिफाइन किया जाता है वेरी डेंस कौन से होते हैं ऐसे जमीने ऐसे लैंड्स जहां पर जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो सत्तर परसेंट से ऊपर है ट्री कैनोपी डेंसिटी अगर सत्तर परसेंट से ऊपर है तो वो क्या हो गया आपका वेरी डेंस हो गया मॉडरेटली डेंस में क्या होता है कैनोपी डेंसिटी चालीस परसेंट से ज्यादा है लेकिन सत्तर परसेंट से कम है तो वो आपका मॉडरेटली डेंस में हो गया ओपन फॉरेस्ट कौन से होते हैं जहां पर आपका कैनोपी डेंसिटी दस परसेंट से ज्यादा है और चालीस परसेंट से कम है तो वो आपका ओपन फॉरेस्ट हो गया क्रब कौन से होते हैं ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर कैनोपी डेंसिटी दस परसेंट से कम है और नॉन फॉरेस्ट कौन से हो गए जो ऊपर के चार के अंदर नहीं इंक्लूड हुए वो नॉन फॉरेस्ट में आ गए ठीक है जो वाटर बॉडीज वगैरह होती है ना उसको भी हम नॉन फॉरेस्ट के अंदर काउंट करते हैं ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसको याद रख लेना वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा ये सारे एमसीक्यूज मैंने एग्रीकल्चर एमसीक्यू कोर्स के अंदर डाले हैं ठीक है कि भाई वेरी डेंस को कैसे डिफाइन करता है कि कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए पचास परसेंट से ज्यादा साठ से ज्यादा सत्तर से ज्यादा अस्सी से ज्यादा इस तरीके से डेफिनेटली वो आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है चलिए ऑल राइट ओके तो अब अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर ज्यादा जंगल कौन सा है इंडिया के अंदर जो पूरे का पूरा अगर हम जोग्राफिकल एरिया देखें तो 76.87 तो हमारा क्या है नॉन फॉरेस्ट आ गया ठीक है तो 100 माइनस सेवेंटी कर दो बेटा ठीक है आती है तुम लोगों को मैथ्स क्योंकि रीजनिंग का टेस्ट भी देना ही है 23.13% ठीक है बचा 23.13% अब ये 23.13% में से वेरी डेंस के अंदर 3.04 है मॉडरेटली डेंस के अंदर 9.33 है ओपन फॉरेस्ट के अंदर 9.34 है ठीक है तो ये आपका ये हो गया और क्रब है आपका 1.42 ओके तो अल्टीमेटली अगर आप देखो ज्यादातर जो हमारे यहाँ पर जंगल है जो मेजोरिटी है वो मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट के कंटेक्ट uh, में आता है क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा आपको डेजिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं जो गर्मियों के अंदर बेसिकली पेड़ अपने लीव्स वगैरह शेड कर देते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के अंदर बहुत कम मात्रा में देखे जाते हैं यहाँ पर बेटा वही बात हो रही है तो टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें आ, स्क्रब एरिया को काट करके तो टोटल जो हमारा फॉरेस्ट कवर है बेटा वो 21.71 परसेंट है और आ, दो हजार के आई एस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टली पेपर में पूछेगा वो और एरिया भी याद रख लेना अगर थोड़ा सा एस्टिमेशन याद रह जाए तो बढ़िया रह जाएगा ठीक है पेपर के अंदर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी सेवन वन थ्री सेवन एट नाइन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सेवन वन थ्री सेवन एट नाइन स्क्वेर किलोमीटर जो है हमारा फॉरेस्ट कवर है इसको याद रख लीजिएगा और ये जो नीचे नंबर हैं ये तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए हैं चलिए अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ठीक है जो पेपर के अंदर डायरेक्टली काफी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो उनमें पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं सो so, सबसे पहला स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर कौन सा है मध्य प्रदेश में बेटा सबसे ज्यादा जंगल है ठीक है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जंगल है उसके बाद अरुणाचल आता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र ठीक है जी अब अगर हम एक तो होता है कि सबसे ज्यादा जंगल किस स्टेट के अंदर है एरिया वाइज ठीक है एरिया वाइज की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है दूसरी चीज होती है कि स्टेट के एरिया के हिसाब से स्टेट के जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उस स्टेट में कितना परसेंट जंगल है ठीक है स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उस स्टेट में कितना परसेंट जंगल है तो उसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सबसे आगे हैं और मिजोराम सबसे ऊपर है मिजोराम का 84.53 परसेंट एरिया मिजोराम स्टेट का जो टोटल एरिया है उसका 84.53 परसेंट एरिया जो है वो जंगल के अंदर आता है तो विद रिस्पेक्ट टू टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जंगल है लेकिन ज्योग्रफिकल एरिया ऑफ द स्टेट के हिसाब से मिजोरम के पास सबसे ज्यादा है बेटा इस तरीके से समझो दो बच्चे हैं दोनों के पास दो सौ दो सौ एक के पास दो सौ रुपए है राम के पास और शाम के पास सौ रुपए है ठीक है राम के पास दो सौ है शाम के पास सौ है तो अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा पैसे किसके पास हैं आप कहोगे राम के पास हैं फिर मैं कहता हूं कि राम ने दस रुपए डोनेट किए ठीक है और शाम ने भी दस रुपए डोनेट किए अब अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज में राम ने जितने उसके पास पैसे थे कितने डोनेट किए आप कह दोगे कि राम ने जी पांच परसेंट डोनेट किए यही कहोगे ना और मैं आपसे पूछूंगी शाम ने कितने डोनेट किए तो आप कह दोगे जी दस परसेंट डोनेट किए तो जितना शाम के पास था तो उस हिसाब से शाम ने ज्यादा डोनेट किया परसेंटेज ऑफ वॉट शाम वॉज हैविंग सेम यहां पर कंसेप्ट होता है बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ठीक है तो आपने नहीं होना बिल्कुल भी ओके okay. उसके बाद अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें 2019 के मुकाबले 2019 के मुकाबले हमारे देश के अंदर जंगल का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है अराउंड 1.540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारे जंगलों के अंदर इंक्रीज़ हुआ है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे वैल्यू 1.540 स्क्वायर किलोमीटर का और ये जो 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है ना इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिला है 647 स्क्वायर किलोमीटर का ये 647 स्क्वायर किलोमीटर या 632 स्क्वायर किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो ना मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जैसे मैं अभी आंध्र प्रदेश में कि भाई सिक्स स्क्वायर किलोमीटर जंगल इंक्रीज हुआ है तो नबार्ड के लिए आईबीपीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कोई स्टेट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जैसे स्टेट्स के अंदर ठीक है वहां पर अगर आप पेपर दे रहे हो स्टेट का तो फिर आप अपनी स्टेट का याद कर लेना तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला 2019 के मुकाबले फॉलोड बाय तेलंगाना उड़ीसा कर्नाटका एंड झारखंड लेकिन आपको सिर्फ आंध्रा याद रखना है ठीक है वो टॉपर का ही पूछता है क्योंकि अब जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर इंक्रीज हुआ है ना कुछ स्टेट्स के अंदर डिक्रीज भी देखने को मिला है कुछ स्टेट्स के अंदर जंगल कम हो गया 2019 के मुकाबले और ये जंगल आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर कम हुआ है अब और सबसे ज्यादा जंगल में कटौती आई है अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के अंदर टू स्क्वायर किलोमीटर से जंगल का एरिया खत्म हो गया फॉलोड बाय मणिपुर नागालैंड मिजोरम एंड मेघालय तो अगेन इसके अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 के मुकाबले 2021 की इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जंगल में लॉस किस स्टेट के अंदर हुआ है तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल चिंता नहीं करनी है ये सारे एमसीक्यूज बना करके ना एमसीक्यू कोर्स के अंदर डाले हुए हैं चलो ऑल राइट ओके अब ये तो हो गया ओवरऑल जो ओवरऑल सिनेरियो है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सिनेरियो देख लिया अब कुछ होते हैं आपके हिली एरियाज़ ठीक है तो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में ना हिली एरियाज में भी देखा जाता है कि जंगल के अंदर क्या बढ़ोती हुई या क्या कटौती हुई अब एक चीज होती है आपकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की. 1988 की की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि देश का एक तिहाई हिस्सा एक तिहाई हिस्सा जो है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए वन थर्ड थर्टी थ्री परसेंट और वही आपकी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना वो हिल एरियाज के लिए भी बोलती है हिल एरियाज के लिए वो वन थर्ड नहीं बोलती जो पहाड़ी इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोलती है कि जो दो तिहाई हिस्सा है ना जंग पहाड़ी इलाकों का वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर वो ऑप्शन में वन थर्ड भी देगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो वहां पर चलाकी दिखाएंगे कहेंगे कि नेशनल लेवल पे वन थर्ड है तो हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी वन थर्ड ही होगा नहीं हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि दो तिहाई हिस्सा जो है वो जंगल के अंदर होना चाहिए ठीक है अब जंग आ, हिल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है किस डिस्ट्रिक्ट को हम हिल डिस्ट्रिक्ट काउंट करते हैं जहां पर ऑल्टीट्यूड जो है वो 500 मीटर से ऊपर का हो सी लेवल से ठीक है ओनली द द वेयर हिल अब देखो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हम कब कहेंगे कि वो हिल डिस्ट्रिक्ट है अगर उस डिस्ट्रिक्ट का पचास हिस्सा पहाड़ों के अंदर आ रहा है तो ही उसको हम हिल डिस्ट्रिक्ट कहेंगे ये पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड और थर्ड सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना देश की उसके अंदर भी जंगल कम हुआ है हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी जंगल कम हुआ है हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जंगल कम हुआ है हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 902 स्क्वायर किलोमीटर से जंगल के अंदर कमी देखने को मिली है और सबसे ज्यादा जो हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिडक्शन हुई है वो अरुणाचल में हुई है वंस अगेन और हिल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गेन जो देखा है वो केरला ने देखा है अगेन मल्टीपल क्वेश्चन आपके यहाँ से फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ट्राइबल जो इकोनमी है वो तो डिपेंडेंट ही फॉरेस्ट के ऊपर होती है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल एरियाज के अंदर भी हम समझें अब जैसे काफी सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा लक्षद्वीप ये तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं अब ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी जंगल के अंदर कमी देखने को मिली है कटौती देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले पिछले असेसमेंट के मुकाबले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जंगल जो है वो 55 स्क्वायर किलोमीटर से रिड्यूस हो गया है ठीक है, जो आ, आपका फॉरेस्ट कवर है और अगर मैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो और ज्यादा कम हुआ है सिक्स स्क्वायर किलोमीटर अब फॉरेस्ट क्यों कम हुआ है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट अगेन ठीक है तो वो एक बड़ा मेजर इशू है ऑल अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा फॉरेस्ट कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो हिल डिस्ट्रिक्ट वाला हो चाहे वो ट्राइबल वाला हो क्योंकि आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना इसके अंदर देश का 7.98 पॉइंट परसेंट जोग्राफिकल एरिया है ठीक है जो ज्योग्रफिकल एरिया है 7.98 परसेंट है लेकिन ये देश का तेईस जंगल जो है इस 7.98 परसेंट एरिया में है ये समझ लो ठीक है तो 20 परसेंट से ज्यादा जंगल देश का वन फिफ से ज्यादा जंगल देश का इन सात स्टेट्स के अंदर इन आठ स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है और ये जो रीजन है ना यहाँ पर आप जानते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन झुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है जहां पर आपने एक बार खेती बाड़ी करी उसके बाद वहां पर आप आसपास के एरिया में आग लगा देते हो पेड़ वगैरह सब जला देते हो ताकि लैंड रिप्लेनिश हो जाए और इसी वजह से इस एरिया के अंदर जो जंगल का कवर है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जंगल जो है वो कम हुआ है 2019 के मुकाबले 1020 स्क्वायर किलोमीटर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो जंगल है वो कम हुआ है तो ये सारे पॉइंट्स आपको बेटा बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे पेपर के अंदर डायरेक्टली ये पूछे जाएंगे ऑलराइट राइट right, अब देखो फॉरेस्ट कवर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर मैंने आपको बताया ना कि कम हुआ है तो 2019 के मुकाबले सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश के अंदर कम हुआ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो इस टेबल को आप इग्नोर कर सकते हो पिछली स्लाइड के अंदर इसको कवर कर दिया गया है चलो बेटा तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के दो तीन लेक्चर और डालने पड़ेंगे ठीक है तीन या तीन चार लेक्चर डालेंगे ओके और फिर आपका आई अच्छे से कवर हो जाएगा उसकी आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी क्रॉप डेटा के सारे वीडियोज डल चुके हैं तो लेटेस्ट करंट डेटा आपके पास आ चुका है करंट अफेयर्स के लेक्चर डल चुके हैं स्कीम्स के लेक्चर भी डल रहे हैं तो जितनी भी प्ले लिस्ट है ना सारी प्ले लिस्ट को फॉलो करो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ये सारी वीडियोज आपके लिए खजाना है आपके नबार्ड के एग्जाम के लिए आई बी पी एस के एग्जाम के लिए सो प्लीज वॉच दैम ऑल एंड अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और अगर शेयर कर दोगे तो फिर सोने पर सुहागा है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय